तो ये छोटा सा टॉपिक है जिसको हमको समझना है इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी तो इसमें होता क्या है कि जो धन की चर्चा है तो धन में सामान्यतः हम रुपया और पैसे की चर्चा करते हैं तो इसमें हमको एक बेसिक सी बात समझनी है कि जो आप एट रुपये प्रयोग करते हो जिसका अभी सेम्बोलिक फॉर्म ये है कभी यहाँ रुपया लिखा रहेगा इस तरह सिंबल लाकर रहेगा या फिर एक रुपये लिखा रहेगा इसको हम पैसे में यदि कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता है कि एट रुपये में कितने पैसे होते हैं सौ पैसे ये छोटी सी बात हमको याद रखना है कि जब भी हम कभी रुपया को कन्वर्ट करने जाएंगे तो सौ पैसे एट रुपए बराबर सौ पैसे होगा तो इसी ट्रांसेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मान लीजिए बोल दिया कि फोर्टी सेवन रुपीज को रुपए को रुपए को पैसे में बदलें पैसे में बदलें तो होता क्या है कि हमको ये देखना है कि भाई सैंतालीस रुपए को चेंज करना है तो सैतालीस रुपए को हमें चेंज करना है किसमें पैसे में पैसे में क्या होगा तो हम जानते हैं कि एट रुपए बराबर जो होता है वो होता है सौ पैसे इसलिए सैतालीस रुपए का मान जो हो जाएगा फोर्टी सेवन रुपीज इक्वल टू हो जाएगा फोर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड यानी सैतालीस सौ पैसा लेकिन देखिए मित्रों यहाँ सैंतालीस सीधे सीधे था हमने सैंतालीस रुपये को पैसे में बदलने के लिए सौ से मल्टीप्लाई कर दिया जितना भी रुपये रहेगा उसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधे सीधे सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो एक सामान्य सी परिचर्चा हो गई कि यदि हमको रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है लेकिन जो हमारा सवाल होता है वो ऐसे नहीं पूछता सवाल इस तरह से पूछता है कि सन्तावन रुपये पचहत्तर पैसे को पैसे को पैसों में बदलें पैसों में बदलें तो इसको हम क्या करेंगे कि इसमें दो इंटिटी है एक सत्तावन रुपए है और दूसरा पचहत्तर पैसे है तो इसमें आप देखेंगे कि संतावन रुपए को यदि पैसे में बदलेंगे तो संतावन रुपए को बदलेंगे तो हम सीधे सीधे आप अगर सौ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे किसी भी संख्या में सौ को मल्टीप्लाई करने का मतलब उस संख्या के आगे दो जीरो बढ़ा देना है ये जो संतावन रुपए था अभी तक आपका ये संतावन सौ पैसे हो गए ठीक और ये जो पचहत्तर पैसे हैं तो ये तो ऑलरेडी पैसा ही है पचहत्तर पैसा तो इस ये पचहत्तर पैसे ऑलरेडी आपके पचहत्तर पैसे ही हैं तो ये टोटल जो हमसे बताना है वो पच सतावन रुपये पचहत्तर पैसे का बताना है यानी संतावन रुपये का जो पैसे में वैलेंट है और ये पचहत्तर पैसे तो ही है ही हैं इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा संतावन पचहत्तर ठीक है अब इसमें देखिए ये तो पैसे मिश्रा जवाब हो गया लेकिन अभी तो हमने इसको पूरा देखा कि संतावन रुपए को हमने कन्वर्ट किया पचहत्तर पैसे थे दोनों को जोड़ दिया हमसे पूछा था पचहत्तर सन्तावन रुपए पचहत्तर पैसे को पैसों में बदलिए तो सतावन रुपए को हमने बदला तो संतावन सौ पैसे आ गए और सनता पचहत्तर पैसे को हमने पैसे में ही रहने दिया दोनों को जोड़ लिया तो संतावन पैसे आ गए लेकिन यदि हमको इसको सीधे सॉल्व करना हो तो मित्रों शार्ट ट्रिक भी इसका है पहले हमको लॉन्ग ट्रिक जानना होता है उसके बाद शार्ट ट्रिक में हम आते हैं तो आप देखिए सीधे सीधे आप इस जब भी ऐसे सवाल आए कि इतने रुपए इतने पैसे तो सीधे सीधे आप देखिए कि पैसे हमेशा जो है ऐसे लिखेंगे जैसे मान लीजिए इसी चीज़ को हम लिख सकते थे सन्तावन दशमलव सात पाँच रुपये देखिए ध्यान से यही चीज़ संतावन जो रुपए ये जो दशमलव में हम इंडिकेट करते हैं इसमें जो पहला पार्ट होता है जो दशमलव पहले होता है ये रुपए होता है क्या होता है ये रुपए होता है और जो दशमलव के बाद वाला सेक्शन होता है ये होता है पैसे हमेशा तो आप देखेंगे कि सीधे सीधे ये संतावन रुपये पचहत्तर पैसे को हम लिख सकते हैं संतावन दशमलव सात पाँच और सन्तावन दशमलव सात पाँच हो गया ये अगर पूरे को क्वान्टिटी हम रुपए के रूप में लें तो इसमें सौ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा सौ का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि, कि किसी भी दशमलव संख्या में यदि सौ का मल्टीप्लाई हो रहा है या हजार का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको करने का तरीका है कि अगर सौ से मल्टीप्लाई होता है तो सीधे सीधे ये जो दशमलव है वो दो अंक पीछे चला जाता है यानी जो अभी आपका संतावन दशमलव सात पांच है इसका दो अंक आप बढ़ाओगे तो ये दशमलव इस संख्या से हट जाएगा और बचेगा संतावन पचहत्तर तो आपका जवाब होगा कि संतावन दशमलव सात पांच जो रुपए था उसका पैसे में मान हो जाएगा संतावन सौ पचहत्तर पैसे ठीक है या दूसरा ट्रिक आप ऐसे समझ सकते हैं कि संतावन अगर सीधे सीधे किसी भी संख्या को पैसे में बदलना है तो जितना भी रुपया हो उसके आगे दो जीरो बढ़ा दीजिए संतावन रुपये को हमने पैसे में बदला तो संतावन सौ पैसे हो गए और ये पैसे तो थे ही पहले से ये पचहत्तर पैसे ही थे तो हमने क्या कहा कि पच पच सौ में पचहत्तर जोड़ दीजिए तो सीधे सीधे सतावन सौ पचहत्तर हो जाएगा ये यहां से मतलब आप किसी भी तरह से जैसे भी से सवाल बने वैसे आप बना सकते हैं ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जो भी यहां पर संख्याएं हो जो रुपए में होगा उसको पहले पैसे में डाउनलोड करेंगे और पैसे वाले को उसमें जोड़ देंगे फिर सवाल ऐसे भी बनता है इसके बाद दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं मान लीजिए हमको दिया है कि तिरासी तो सॉरी तिहत्तर दशमलव आठ सात रुपए को पैसों में बदलें। तो इसमें भी हमने देखा कि सीधे सीधे जब भी हमको रुपए में कोई चीज दी हो उसको पैसे में बदलना हो तो सौ का मल्टीप्लाई करना है और सौ का मल्टीप्लाई जब भी किसी दशमलव संख्या में किया जाता है तो दशमलव दो वन फीसट जाता है इसी तरह यदि मान लीजिए दस का मल्टीप्लाई करना है तो एक अन फीसट एक हजार का करना होगा तो तीन अंश खिंचेगा इसी तरह से जब हम आगे धारित वो तौल बताएंगे माप बताएंगे लंबाई चौड़ाई इत्यादि चर्चर करेंगे तो उसमें हमको हज़ार से भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे सौ से भी और दस से भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे तो उस समय हम पूरा ट्रांसलेट बताएंगे फिलहाल

पचानवे रुपये पचहत्तर पैसे को पैसे को चौबीस रुपये तिहत्तर पैसे में जोड़ें ठीक अब इनका जोड़ मान लीजिए आ गया कि रुपए और पैसे में दिया है रुपए और पैसे में दिया है इसको जोड़ने के लिए दे दे या इसी सवाल को ऐसे भी दे सकता है कि इस पूरी रटाओं को मान लीजिए किसी ने पंचानवे रुपये पचहत्तर पैसे का रेडियो खरीदा चौबीस रुपये तिहत्तर पैसे का पेन खरीदा कुल उसको दुकानदार को दुकान दर, कितने पैसे देने पड़ेंगे या कितने रुपए देने पड़ेंगे इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो या तो इनको हम दोनों को एक ही यूनिट में लिखेंगे एक यूनिट मतलब चाहे रुपए में पूरा कन्वर्ट कर लें चाहे पैसे में कन्वर्ट कर लें तो पहले हम रुपए को कन्वर्ट रुपए में कन्वर्ट करके बताते हैं फिर पैसे में भी टर्नवर्ट करके बता देते हैं तो इसको जब आप रुपये में कन्वर्ट करोगे तो ये पंचानवे रुपये है सीधे सीधे सीवार तो है ही है और ये पचहत्तर पैसे है तो हमने बताया कि जो पैसे रहते हैं वो दशमलव के बाद आपको लिख लेना है और जो रुपये रहेगा वो दशमलव से पहले लिख लेना है दूसरा है चौबीस रुपये तिहत्तर पैसे चौबीस रुपये दशमलव सात तीन ठीक तो ये हो गया हमारा रुपये में कन्वर्जन और इसको आप टोटल जोड़ लीजिए तो पाँच तीन आठ सात सात चौदह सात चौदह हो गया चौदह चार हाँसी लाइए पाँच चार नौ देश हाँसी लाइए नौ दो ग्यारह बारह यानी एक सौ बीस रुपये अड़तालीस पैसा हो गया ये सॉरी ये रुपए हो गया एक सौ बीस रुपए अड़तालीस पैसे या एक सौ बीस दशमलव चार आठ रुपए आप इसको बोलेंगे ठीक है या इसको अलग अलग बोलना होगा तो एक सौ बीस रुपए है और अड़तालीस पैसे है या इसी चीज को मान लीजिए हमको पैसे में बताना होगा तो भाई हमने रुपए को ही जोड़ लिया अब इसमें सौ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे सीधे लिख देंगे एक सौ बीस और ये अड़तालीस दशमलव हट जाएगा टोटल इतना पैसे हो जाएगा यानी इसको पढ़ेंगे क्या बारह हजार अड़तालीस पैसे बारह हज़ार अड़तालीस पैसे और मान लीजिए ये तो रुपए में हमने जोड़ लिया पैसे में कन्वर्ट करना होता तो भी हम पहले इसको रुपए में जोड़ लेते और फिर उसको अंतिम में पैसे में कन्वर्ट कर देते या यहाँ पर भी आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे इसको रुपए हैं पंचानवे रुपये पचहत्तर पैसे है तो इसको पंचानवे पचहत्तर ये पैसे में कन्वर्ट हो गया हमने दशमलव हटा दिया चूंकि दो अंक हमने सौ मल्टीप्लाई किया तो ये रुपया पैसे में कन्वर्ट हो गया और ये रुपए भी आप चौबीस तिहत्तर और इसको आप जब जोड़ दोगे तो यही चीज़ आ जाएगा आपका तो जैसे भी आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं रुपए का जोड़ रुपए का घटाना और रुपए और पैसे का कम्बिनेशन दिया हो दशमलव में लिखा हो तो भी आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अब ये तो हुआ कि रुपए को पैसे में कैसे ट्रनवर्ट करें अब दूसरा सवाल जब क्योंकि पूछ लेता है कि पैसों को रुपए में कन्वर्ट करना होता है तो जिस तरह से आप जानते हैं कि एक रुपये बराबर सौ पैसे होते हैं उसी प्रकार से ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब एट पैसे बराबर लिखेंगे हम एट पैसे बराबर कितना होगा तो ये एट बटे ये सौ का डिवीज़न हो जाएगा यानी यदि कोई चीज़ हमको पैसे में दिया गया है और उसको रुपए में कन्वर्ट करना होगा तो हमको सौ से डिवीजन करना होगा जैसे कोई चीज़ रुपए में दिया रहे और पैसे में कन्वर्ट करना हो तो सौ को मल्टीप्लाई हुआ यानी आप सीधे सीधे सूत्र याद रखें कि रुपए को यदि पैसे में कन्वर्ट करना है तो इस वाले में हमको मल्टीप्लाई करना होगा सौ का और यदि हमको पैसे को पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो यहां पर हमको सौ से डिवीजन करना होगा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए सौ का डिवीजन करना होगा और रुपए को पैसे में बदलने के लिए सौ का मल्टीप्लाई करना होगा इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसी को समझना है मान लीजिए सवाल हमसे पूछ लिया कि सैतालीस सौ पैसे को पैसे को रुपए में बदलें, ठीक तो रुपए में बदलना होगा तो क्या होगा कि हमने बताया कि जो भी पैसे में दिया रहे मान उस मान में सौ का सीधे सीधे डिवीज़न कर देना है और हमने बताया जिस तरह से हंड्रेड का मल्टीप्लाई करने में जो दशमलव रहता है उसके आगे दो बिंदु खिसट जाता है उसी तरह से अगर आपको डिवीजन का भी करना हो तो दो अंक पहले दशमलव लग जाता है तो आप या तो ऐसे कहें कि ये इसमें दो अंक पहले दशमलव लगने का मतलब सैंतालीस दशमलव जीरो जीरो यानी सैंतालीस रुपये हो जाएगा या तो सौ का डिवीज़न ही करना है तो दो जीरो नीचे से दो जीरो ऊपर से टट जाएंगे पूरे पूरे और सिर्फ बच जाएगा सैंतालीस रुपये तो आप दोनों तरह से देखें सौ का डिवीजन जब भी करना हो आपको किसी भी संख्या में तो उसको काटने से बेटर ये होता है कि जो संख्या जिसमें डिवीजन करना है उसके दो अंक पहले आप ला के दशमलव लगा दीजिए वही उसका डिवीजन हो जाता है तो जब भी दस का या हंड्रेड का या वन थाउजेंड का डिवीजन करना हो तो उसको कभी काटने का प्रयास ना करें बल्कि उसको सीधे सीधे दशमलव लगाने का प्रयास किया जाता है तो ये हुआ कि सैंतालीस सौ पैंसठ रुपये में बदलने का तरीका यानी सैंतालीस रुपये हो गया तो ये दो तरह से सवाल पूछ सकता है कि कभी पैसे को रुपए में बदलने के लिए पूछ लिया जाता है कभी रुपए को पैसे में बदलने के लिए पूछ लिया जाता है या ऐसे दे दिया जाता है कि इतने रुपए इतने पैसे को पैसों में बताइए या इतने रुपए इतने पैसे को रुपए में बताइए सीधा साइ सारे कॉन्सर्ट की हमने इसमें चर्चा की छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने सिर्फ धन के बारे में आपसे चर्चा किया आगे हम ऐसी और वीडियो जिसमें तौल के बारे में समय के वो जिसमें हम लोग लंबाई के बारे में भार के बारे में भी चर्चा करेंगे तो उसकी वीडियो हम आगे लेकर आएंगे मित्रों हम पिछले तीन चार दिनों से हमने मैथ की कोई क्लास नहीं ली कारण ये था कि हम कहीं बाहर गए हुए थे लेकिन अब आपकी डेली रेगुलर वीडियोस पढ़ेंगी डेली की डेली एक या दो वीडियो हम अपडेट करेंगे मैथ की इसलिए आप निश्चिंत रहिए आपका पूरा कोर्स जो होगा यूपी टोट का वो परीक्षा से पंद्रह दिन पहले हम पूर्ण रूप से कम्प्लीट कराएंगे उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें तब तक के लिए नमा संस्कृत आएँ शुभरात्रि शुभ संध्या